जोहार। क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम में बोल बेरवा बर में तो सबके स्वागत हो। और हम बता दियो कि अखन हमने पिछरी दक्षिणी पिछरी के ढोगवा गांव पहुँचे ले, जहाँ यहाँ से लोग से बात करबे, जानबे कि यहाँ की समस्या है, और संगे इटाओ जानबे कि यहाँ के कते विकास भले कते विकास नहीं भले। अगर से पहले हम तनिक एक जानकारी दे दियो कि बेरमा विधानसभा के उपचुनाव के जे तारीख के है, ओकर घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा कहल गया है कि 3 नवम्बर के यहाँ चुनाव करवल जीते और 10 नवंबर के ओकर फैसला मिलते। तो चल यहाँ के जैसे अभी हम बतवलियो कि यहाँ डोहा गांव में है, और इस गांव के की समस्या है, यहाँ जो ग्रामीण अथी ग्रामीण से जानबे, यहाँ के लोग से जानबे कि यहाँ की समस्या है और की विकास भले। तो सबसे पहले हम एक दादा से बात करें कि नाम दादा नारायण सिंह। हाँ तो बताओ कि गाँव में अखन तो की समस्या नजर आ रही? बहुत समस्या है, मुख्य रूप से पहले रोड ना है, बिजली जो जाओ से आओ 2-3 दिन के बाद, और बहुत से पानी उनी की बहुत समस्या है। तो रोड के जैसे समस्या बतवा ले, तो रोड की समस्या है? जैसे कि हम देख पा रहे हो कि यहाँ जो है पीसीसी बनो लो, तो एकर में की यार समस्या हो? समस्या है कि अधूरा है पीसीसी, यहाँ नदी हम लोग का यहाँ डोहा बस्ती का शमशान घाट नहीं है। अच्छा, रोड अधूरा है। अच्छा, मतलब डोहा बस्ती में कोई शमशान घाट भी अभी तक नहीं बना? नहीं बना। चलिए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पे डोहा घाट में जो है कोई शमशान घाट भी नहीं बना हुआ है। और जैसे कि आप जैसे कि तो कहा कि अखन बिजली की भी समस्या हो, तो बिजली की समस्या हो? बिजली की समस्या है कि पानी बंद होने लगता है, तो उसके बाद जो कटता है बस 2 दिन के बाद आता है। अच्छा, तो आर भी लोग है यार बात करबे, तो यहाँ के जो लोग हथिन, यहाँ के लोग की काम करते हैं, किसे यहाँ के लोग के रोजी रोटी चलते हैं? अपन यहाँ खेती बाड़ी यही सबसे रोजगार है। अच्छा, जैसे तो कह रहे खेती बाड़ी, तो क्या कि जैसे यहाँ खेती बाड़ी कितना लोग करते हैं? खेती बाड़ी यहाँ बहुत आदमी का काम है। अच्छा, महाजरी काम पानी की सुविधा, तो यहाँ जैसे खेती बाड़ी करा है, तो यहाँ खेती बाड़ी करा कि मैं सिंचाई की किस सुविधा हो? सिंचाई सुविधा कुछ नहीं। तोहर में तोहरा की समस्या नजर आओ यहाँ? समस्या यह सब बता लीजिए। अच्छा, यहाँ कहीं सामने तो नहीं स्वास्थ्य के जो हो की व्यवस्था हो, लोग अगर बीमार पड़ जाओ तो किसे इलाज करवाते? बीमार पड़वा की अपन डॉक्टर हॉस्पिटल, कहाँ हॉस्पिटल हो? कहाँ बुखारो जरा मोड़। तो तोर यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो? तोर गाँव में स्वास्थ्य व्यवस्था है ना? कोई व्यवस्था नहीं, अगर अचानक कोनो ककरो भय जाए तो ओकर खातिर तनी तनी के बोकारो जाए हो? हाँ, बोकारो फुसरो। अच्छा, तो जिसे एक निकालते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य के ठीक नहीं, तो आओ हम आरोग्य हमारे दादा बना लेकर से बात करबे। तो दादा बताओ कि तो शिक्षा के तौर गांव में की व्यवस्था हो? शिक्षा के अर्थव्यवस्था है, शिक्षा यहाँ सही ढंग से चलने रह लो, लड़का जैसे जा पढ़े, लड़का लड़की जितने भी स्टूडेंट है सब जाता है, खाली खेलता है बस, पढ़ाई में ध्यान नहीं कोटी करता। तो जैसे कि एक निकालते हैं कि यहाँ के तो शिक्षा के बाद बतवलते हैं, साथ ही इटाओ बतवलते हैं कि यहाँ के जो बच्चा है, बच्चा के अपन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे, अभी कारण है का गार्जियन का कारण है या शिक्षा शिक्षक के दोस्त दबी इटा तो समझना इतनी के पर है, तो एक हम पूछ लिए कि भाई तेरे दोस्त को करा दबी, गार्जियन का दोस्त दें कि शिक्षक के दोस्त दें? फिलहाल तो पहले टीचर पर जाएगा, टीचर समझाएगा, टीचर को समझाना चाहिए पढ़ाई करो बच्चा, लेकिन देखते हैं हम लोग जाते हैं बच्चा सब खेलता है, ध्यान नहीं, स्कूल में पढ़ाया हुआ तो हमने घर में पढ़ाया हुआ पहले बार। तो यहाँ शिक्षा पर भी बात बोले, और हमारे संगे कुछ महिला भी जुड़ल रहती, आओ इतनी से बात करबे और जानबे कि इतनी की समस्या है। दादी तोर की गाँव में समस्या नजर आओ? तो समाचार हमने के यहाँ का बहुत अति दिक्कत हो रहा है, खेती बाड़ी अपना ना हो रहा है, तो कौन की दिक्कत नहीं है, धान धुरा ना हो रहा है और की कब। अच्छा, जैसे सरकार के द्वारा जो मिलत रहे सब, जैसे इंदिरा आवास हो, जैसे यहाँ देखे पावे कि बहुत से ऐसा घर है जो अखन खपड़ा घर लगे या चाली घर लगे, तो मैंने जब सरकार के आवास मिलत रहे वो आवास तो कितने लोग के यहाँ मिलल है या नहीं मिलल है? बहुत आदमी के नहीं मिलल है, ककरो ककरो मिलल है, ककरो नहीं है मिलल है। अच्छा, ऐसा कहा है कि ककरो मिलल है ककरो नहीं मिलल है? हमने यार एकदम नहीं मिलल है, हमारे पुतो के अति व्यवाही है कैसे ओकरा भी नहीं मिलल है, ओकरा कोनो नहीं मिलना चाहिए, दूगो बच्चा है, एगो लड़का एगो लड़की, तो एगो ओकर नहीं भेल है तो की कर। अच्छा दादी, तो बताओ कि यहाँ जो लोग के हथिन के कते लोग के ऐसा हथिन की जो राशन कार्ड पूरा बनल है? राशन कार्ड हमारा ना, राशन कार्ड तोहरे ना हो ना? और तोहर जैसे कते लोग हथिन जो राशन कार्ड नहीं बनल? राशन कार्ड हमारे कुछ ना कटा भतर कोई ना। अच्छा, एगो बटा कोनो नहीं कटा भाई। अच्छा, पेंशन मिलो तोरा? ना कुछ ना। तो मतलब तो वृद्धा पेंशन ना, विधवा पेंशन ना, मैंने कोनो ना, और ना ना ही यहाँ के व्यवस्था सही ना, कुछ ना मिलवे ना करे तो की बता दियो, कुछ ना मिला।
तो आरे को अपनी दादी अपने एकरो से पूछे दादी तोरा की बुझाओ की कहला चाहे ई सब बात में हमनी के तो कोनो हमनी को तो ना मिलल राशन कार्ड ना मिलल तो जैसे कि यहाँ देख लिए बात कर ले यहाँ लोग के जे कहा दिन के समस्या के कोई कमी ना हो समस्या बहुत है तो हम आरग दर से बात करबे एकर से बात करे कि अच्छा जैसे कि अखन चुनाव आयोग में अपन जब घोषणा कर दिल कि 3 नवंबर के चुनाव हेतो बेरमो विधानसभा में चुनाव हेतो तो ईटा के लेके तोहर की प्रतिक्रिया तो है की कहना चाहे करना हम तो की बोलब कि अब देखे कौन चुनाव प्रत्याशी नाम आवे अपन सोच समझ के चुनाव दिए जीते जे हमने के गाँव ग्राम के काम करते अच्छा ओकरे हमने अच्छा मानवे ओकरे चुनल जीते हमने सब समिति से अगर वोट दिए जीते जे हमने गाँव ग्राम के देखते अच्छा इनकरा कहना है कि जे गाँव के देखते जे लोग के अपन ले के चलते है ओकरा अखनी वोट देथिन आरो अथिन इकनी से जाना है कि तो जिसे इटा में तोरा की कहना एक कहना कि दुए गो पार्टी यहाँ मुख्य रूप से चुनाव लड़ा था ना निर्दलीय बढ़िया प्रतिशत मिलता तो ओकरे हमने वोट देवे इखनी से बेहतर समझे बुझे पारे तो वोट देवे अच्छा जब पार्टी से लड़ा हथिन इखनी के की बेहतर नहीं समझा इस सब के बेहतर की समझा बाप दादा से इखनी क्या सुना और नाम और वोट हमने जब अले तो उखनी सुना रहा हमने गाँव को विकास इखनी के नाम पर कुछ ना आज तक नजर आये इस सबसे बेहतर हमने खोजे विकलम हमने नया हुआ लड़का लागे तो इखनी पीछे दौड़बे बढ़िया प्रतिशत देते निर्दलीय भी मिलते तो भी वोट देवे हमने जैसे कि ई कहा हथिन कि पार्टी के अगर छोड़ के कोई निर्दलीय भी अच्छा उम्मीदवार अगर खड़ा होते तो ओकरा वोट देते इटा में तुम्हें की कह बिल्कुल सही एक साथ जा तो है अच्छा दादा तुम्हें की कह खोजे है कभी हमारा यही राय अच्छा मतलब कि यहाँ जेते लोग हथिन एक सबसे एक टुक में बात कहा हथिन कि अगर पार्टी के प्रत्याशी अच्छा ना भेतै तो निर्दलीय कोई अच्छा उम्मीदवार खड़ा भेतै तो उखनी के वोट करबथिन यहाँ साफ साफ के कहना है और हम दोबारा बता दिए कि अखन हमने दक्षिणी पिछड़ी में हलिए जहाँ के लोग से बात कर लिए यहाँ के ढोवा गाँव के लोग से बात कर लिए और लोग से जान लिए कि यहाँ की समस्या है और कितने विकास भेल है सेटा यहाँ के लोग से बात करके सुन ला कि लोग की कहलथिन एन ईयर के खबर खातिर देखते रह डी फोकस हम अपन सहयोगी रणधीर के साथ प्रेम आ गया।